कांस्टेबल भर्ती का ये टेंडर क्या हो चुका है? मंजूर। ठीक है भैया, ये टेंडर मंजूर हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये टीसीएस को मिला है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 17 सितंबर या तो नोटिफिकेशन या सीधे फॉर्म स्टार्ट होंगे। दूसरी चीज, जो एसआई वाली भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर वाली भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर वाली भर्ती हो, या फिर साथ ही जो ये एएसआई वाली भर्ती है, जो एएसआई और अकाउंटेंट क्लर्क करके जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है, इसका भी टेंडर जारी हो चुका है, इसका भी टेंडर जारी हो चुका है। जो एक अपनी रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती थी, कंप्यूटर ऑपरेटर अलग होती, रेडियो ऑपरेटर अलग, रेडियो ऑपरेटर का भी टेंडर जारी हो चुका है, ये भी मंजूर हो गया। ठीक है भैया, ये भी मंजूर हो गया, ये जारी होना है। ठीक है, इसका भी आप देखेंगे टेंडर जारी हो चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया कि लगभग लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जितनी भी भर्ती कराई जानी है, या तो उनके टेंडर जारी होकर मंजूर हो चुके, जैसे रेडियो ऑपरेटर, जैसे कांस्टेबल वाली भर्ती, या जैसे एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके टेंडर जारी कर दिए गए। इसका भी मुझे लगता है एएसआई अकाउंटेंट क्लर्क का भी मंजूर हो गया है, और आज एक नया टेंडर और जारी हो गया जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली भर्ती है। आप सबसे ऊपर देखोगे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर, तो यहां पर आपको देखेगा कि संख्या पीआरपीबी 1 प्रोग्रामर ग्रेड 2, ये मतलब एक भर्ती नहीं है ऐसा समझना, ये उसका नाम है पोस्ट का, प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 2021-22 वाली भर्ती है। ईओआई मतलब रुचि की अभिव्यक्ति, तो इन पदों पर भर्ती हेतु ये ईओआई का आमंत्रण इन्होंने किया है, जिसमें 1 से 1.5 लाख बच्चे भाग लेंगे, क्योंकि इसमें ये मुझे लगता है डॉइक ओ लेवल वगैरह इत्यादि मांगेंगे, और इन्होंने 15 तारीख लास्ट डेट दी है, मतलब 30 अगस्त को निकालकर 15 नवंबर ये लास्ट डेट दी है, फिर ये बाकी की बाकी सारी इसमें शर्तें दे रखी है। तो आपको कुछ समय पहले याद होगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कहा था कि भी देखिए अभी हम लोग उन सारी भर्तियों पर बात कर रहे हैं, और जल्दी आपके लिए कैलेंडर जारी होगा। फिर जो एफएक्यू में हम लोग देखें, जो एफएक्यू में हमने पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती भी देखी और उप निरीक्षक वाली भी हमने भर्ती देखी कि इसमें 3298 और इसमें थोड़े पद और बढ़ेंगे। तो अगला जो टेंडर अब आपका आना है, अगला टेंडर ये यूपीएसआई वाला आना है, जो अगला टेंडर है ये यूपीएसआई यूपीएसआई आना है किसी भी समय। जब ये टेंडर आके सब कुछ, क्योंकि कुछ इसमें से मंजूर हो गए कुछ, तो जो कंपनी इनको ले रही है वो ज्यादातर टीसीएस ही है, तो वो बता देगी सरकार को कि कब वो पेपर लेने में सक्षम है, तब भर्ती बोर्ड आपके लिए क्या जारी करेगा, कैलेंडर जारी करेगा, अर्थात परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी करेगा कि ये कौन सी परीक्षा को कब लेगा। समझ रहे मेरी बात? तो आप सभी लोग उसमें ना सोचे कि बिल्कुल जैसा भर्ती बोर्ड ने कहा है बिल्कुल उसी पर वो चल रहा है, कि जो टेंडर मंजूर हो चुके हैं उसको उनकी तिथि पता है, बीच में टेंडर निकाले जा रहा है हर 5वें 7वें दिन, और जैसे ही ये सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बढ़िया सा कैलेंडर, एक आपको सारी भर्तियों का परीक्षा कार्यक्रम ये इसमें जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है इसके लिए एक टेंडर और जारी हुआ है, इसमें सारी की सारी शर्तें बता रखी है कि वे कैसे कैसे आपको इसमें, और इसमें देखो कोई एग्जाम ऑफलाइन, जैसे अपनी कांस्टेबल वाली जो टेंडर है वो ऑफलाइन, और इसमें ये ऑनलाइन एग्जाम करा रहे कंप्यूटर बेस्ड, इसमें कौन सा कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसी तरह जो रेडियो ऑपरेटर वाला है उसमें ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि अगर ये 22-25 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम कराने जाएंगे तो इनको कई दिन चाहिए, इसलिए ये एक ही दिन में 2 दिन में ऑफलाइन कराना चाह रहे होंगे, क्योंकि यहां इन्होंने सारी की सारी बातें बता रखी है। तो अलग अलग टेंडर में अलग अलग थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि इसमें शर्तें, क्योंकि इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इत्यादि भी होना है जो ग्रेड ए की कंप्यूटर की भर्ती है। अब जो रह गई, अब रह गई है इसमें एएसआई के लिए भी, आप जानते टेंडर जो था वो एएसआई के लिए भी आ चुके हैं, टेंडर जो है वो ऐसा थोड़े ना है, वो एएसआई के लिए भी आ चुके हैं। अगर आप देखोगे इसे तो टेंडर एएसआई के लिए भी आ चुके हैं यहां पे आपको, तो कौन बच गया इनमें से, इनमें से अब आपका
मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो एसआई वाली भर्ती का ही टेंडर बच गया, वही आना रह गया है, बाकी